हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं आपको बहुत ही सुंदर जैकेट दिखाऊंगी। ये बेबी जैकेट है, ये 6 मंथ के बच्चे को आराम से आ जाएगी। इसमें हमने 103 चेन डाली हैं और उसी के 2 पार्ट बनाए हैं। देखिए कितना सुंदर बन रहा है, ये देखिए। और इस पर अब हमने इस प्रकार की लेस लगाई है किनारी पर, जहाँ पर हमने मोड़े निकाले हैं। ये देखिए इस पर हम लेस बनाना बताएंगे अब। चारों तरफ हमने इस प्रकार की लेस बनाई है। अब यहाँ से जहाँ से हमने घटाई किया है, ये देखिए 4 चैन हमने इस साइड में छोड़ दिए, 4 चैन हमने इस साइड में छोड़ दिए, फिर 3 चैन छोड़े, फिर 2 और 1, इस प्रकार के हमने घटाई की है। अब यहीं से हम इसमें धागा लगाकर आपको चैन बनाना दिखाएंगे किस प्रकार से ये चैन बनाई गई है। ये देखिए पहले आप यहाँ पर इस प्रकार से शुरू कीजिए। शुरू करने के बाद ये देखिए एक बार धागा लीजिए और फिर से इस प्रकार बुनिए। इसको हम एक बार बुन लेंगे ऐसे, फिर दोबारा से फिर बुनेंगे इस प्रकार। अब देखिए फिर से दूसरी चेन लेंगे, डबल क्रोशिया चेन इस प्रकार से हमने बुनी है, फिर तीसरी बार लेंगे। ये देखिए 3 चैन हमने इसमें बुनी है, डबल क्रोशिया वाली चैन बुनी है। अगर आप इसको ज़्यादा बड़ा करना चाहें तो इसमें 4-5 चैन आप ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें 3 चैन बुनी है और 1 चैन यहाँ पर आप सिंपल डालें। सिंपल चेन डालने के बाद जहाँ तक इसकी लंबाई जाएगी, ये देखिए उसी चेन में आप इसको ज्वाइंट कीजिए ऐसे, उसी में ज्वाइंट किया और दोनों को एक करेंगे। फिर से उसी प्रकार से लेंगे, धागा लगाया और इसी होल में फिर से डालेंगे और डबल क्रोशिया चेन फिर से इसी प्रकार से। 1, ये 2 और ये 3, 3 चैन हमने इसमें बुना, फिर 1 चैन सिंपल लगाया। अब फिर से ऐसे ही आप इस ऐसे करके देखिए और इसको उसी हिसाब से उसी चैन में डालिए और यहाँ पर इसको ज्वाइंट कीजिए। ये आपको बार बार करना है, 1, ये 2 और ये 3, 3 चैन ऐसे बुना, 1 चैन सिंपल बुना और इसको अब यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर चेन बनकर आई है और इसी प्रकार से आपको पूरा राउंड करना है। ये देखिए हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट किया है। आप कहीं पर भी किसी भी चद्दर में, तकिया कवर में, मेज कवर में, किसी भी प्रोजेक्ट पर इस प्रकार की लैस बना सकते, बहुत सुंदर लगती है। अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।